हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल देसी फूड रेसिपी। और जो आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी और आपने पहले कभी बनाई भी नहीं होगी और आपको किसी ने बना के खिलाई भी नहीं होगी। आज की रेसिपी का नाम है मूली की कचौरी। मुंह में पानी आ गया। और बाकी आप ये देख ही रहे हो मूली, आपको मूली कद्दूकस करके, मैंने 1 से 1.5 किलो मूली ली है, 1.5 किलो मूली ली है, उनको कद्दूकस कर लिया और इनका पानी बिल्कुल बारीक बारीक कपड़े में निकाल छान लिया है, बिल्कुल इनका पानी निचोड़ लिया है। तो ऐसे निचोड़ के रखना है। और जो जो सामग्री अपने को चाहिए, एक तो ये मूली चाहिए, मूंग की दाल उबली हुई 1 कटोरी, प्याज 5 से 6 बड़े, ना बारीक कटे हुए और ना ज़्यादा मोटे कटे हुए, मीडियम, 1 कटोरी उबली हुई मटर, 2 टमाटर बारीक कटे हुए छिलका उतार के, 5 से 6 हरी मिर्ची मोटी कटी हुई, और 2 से 3 पोती लहसुन की, 2 बड़े चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच अमचूर, 1 बड़ी चम्मच हींग, 2 बड़ी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, और 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला, और धनिया, हरा धनिया। अब सबसे पहले फ्रेंड अपन इसमें हरी मिर्ची ग्राइंड करेंगे, ये लहसुन इसमें ग्राइंड करेंगे, और जो हमने सौंफ ली थी वो भी हम इसमें ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने हरी मिर्च और लहसुन ग्राइंड कर लिया। ज़्यादा आपको पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल और तेल गर्म होने देंगे। 2 बड़े चम्मच तेल, और आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच बड़े चम्मच लगेगा। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। जीरा इसमें ऐड करेंगे प्याज, प्याज को फ्रेंड्स हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही फ्राई करना है, और इसमें ऐड कर देना है जो हमने हरी मिर्ची और लहसुन ग्राइंड किया था, उसको मिला लेंगे अच्छे से। इसको 5 से 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अब ये प्याज लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम जो हमने मूली कद्दूकस करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल अच्छे से एकदम। फ्रेंड, ये अभी अच्छे से मिल चुकी है, जो भी इसमें हमने प्याज और डाले थे वो अच्छे से मिल चुके हैं। उसको काफ़ी 5 से 7 मिनट हिला के बिल्कुल ऐसा करना है आपको, और इसको 5 से 5 मिनट हमको रखना है। हमने इसको 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मटर ऐड करेंगे, उबले हुए दाल ऐड करेंगे, उबली हुई मूंग की, ये ज़्यादा आपको उबालनी नहीं है, और चाट मसाला, अमचूर, हींग और गरम मसाला। अब इनको अच्छे से मिलाना है। ये अच्छे से मिल चुका है और सुंदर कलर आ रखा है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर,
एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं कम या ज़्यादा, एक छोटी चम्मच हल्दी दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स ये अच्छे से अपने मसाले मिल चुके हैं, अब इसको धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी इसको हटा देंगे। एक बार फिर मिला लेंगे, ये लगना नहीं चाहिए वरना टेस्ट खराब हो जाएगा इसका। सही से मिल चुके हैं और अब गैस कर देंगे बंद। अब ये हमारा कचौरी में भरने के लिए मसाला तैयार है, और आप चाहो तो इनके परांठे भी बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हो जो है, पर मैंने कचौरी का बनाया है तो हम कचौरी बनाएंगे। कचौरी के लिए हमने आटा लगा लिया है, लगा के रख दिया था पहले से 20 मिनट पहले से। अब इसका डो बनाएंगे और गर्मा गर्म कचौरी तलेंगे। दोस्तों अब यह जो हमने मसाला बनाया था कचौरी के लिए वो ठंडा हो चुका है, अब इसमें जो हमने धनिया लिया था बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स जो हमने कचौरी का आटा लगा के रखा था, अब कचौरी बनाने की प्रोसेस चालू करेंगे। डो बनाएंगे और उसमें जो कचौरी का मसाला हमने बनाया था, मिक्सर बनाया था, वो कचौरी में डालेंगे। अगर आपको सीखना है कि एकदम खस्ता कचौरी और एकदम स्वादिष्ट कचौरी का आटा किस तरीके से लगाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप इसके लिए भी कोई वीडियो बनाएं। हम इस तरीके से इसको बेलेंगे पहले गोल, ये अब हमारे गोल बिल चुकी है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे 1 और 2। अब इसको हम एक बार फिर बेलेंगे, इसको हम ज़्यादा नहीं बेलना है हमारे को, इसको इस तरीके से बेलना है कि ट्रायंगल वाला शेप इसका हो जाए। चुका है, अब इसमें हम जो हमने मसाला बनाया था, मिक्सर बनाया था कचौड़ी के लिए, वो हम इसमें 1 चम्मच पूरा इसमें भरेंगे। अब इसको हम चारों तरफ से फोल्ड करेंगे, हमें फोल्ड इस तरीके से करना है कि ये फटे नहीं। अब इसे हमें ज़्यादा बेलना नहीं है, बस इस डो को हल्का सा फैलाना है हाथ से ही, हाथ से इसको अच्छा सा सही से फैलाना है, थोड़ा सा कचौरी के आकार में यूं ही बस। अब अभी हमने 4 कचौरी के डो बना लिए हैं और अब हम इन्हें गरम तेल में फ्राई करेंगे। हमें गैस
मीडियम पे रखनी है, वरना ये कचौरी में जल जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमारी अब खस्ता कचौरी, मूली वाली मूली की कचौरी बन चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। हम ऐसी ही रेसिपी जो बिल्कुल सबसे अलग हटके आती है वो बनाते हैं, ऑल देसी फूड रेसिपी। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।